और करीब 3,000 करोड़ रुपए की गेवरा पेंटवा रोड रेल परियोजना अधर में लटकती नजर आ रही है। SECL, राज्य सरकार और रेलवे ये तीनों के संयुक्त रूप में PPP मॉडल के तहत बनाई जानी थी, पर छत्तीसगढ़ राज्य के सांसद और जनप्रतिनिधियों को इस रेल परियोजना में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। परियोजना का क्या हर्ष हो रहा है इसकी वानगी देखनी हो तो साल 2015 से फाइलों में फिर आधी अधूरी बनकर अटकी पेंडवा रोड से गेवरा रोड रेल कॉरिडोर को देखा जा सकता है। पेंडवा रोड से गेवरा रोड तक 110 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का 45 किलोमीटर का हिस्सा पेंडवा जिले में है और बाकी 65 किलोमीटर का हिस्सा कोरबा जिले में आता है। इस परियोजना पर काम 2016 में शुरू तो हुआ, लेकिन दोनों जिलों में रेल लाइन बिछाने के लिए अर्थ वर्क का काम शुरू हुआ, पर इसके बनने की रफ्तार काफी धीमी है। और इस आधी अधूरी परियोजना के बारे में जब जनप्रतिनिधियों से पूछा गया तो वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर अपनी जिम्मेदारी से बचते दिखे हैं। ये देखा है कि अब पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी के चलते बहुत सारी दिक्कतें आई है और इसलिए आने वाले समय में उसके काम में तेजी आएगी। और ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इसमें राज्य सरकार का तो कुछ गलती है नहीं। लगातार रेल मंत्री जी से हम लोग पत्राचार करते जा रहे हैं और अभी भी मैं मिली थी उनसे और मैंने यही कहा तो, लेकिन उनका ध्यान थोड़ा कम आ रहा है तो इसके लिए और भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि उन्हें कोयला ढोना है इसलिए पैसेंजर को बंद कर रहे हैं। तो ये तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। और बिलासपुर के एक तेल कारोबारी के यहाँ सेंट्रल GST की टीम ने छापेमारी की है और बताया जा रहा है कि कारोबारी के खिलाफ नकली तेल का फर्जी बिल समेत टैक्स चोरी करने के अन्य मामलों की शिकायत की गई थी। सेंट्रल GST रायपुर की 4 सदस्यीय टीम यहाँ छापेमारी करने पहुंची और इस दौरान टीम के सदस्य दोपहर से लेकर देर रात फर्म के आय व्यय सहित अन्य दस्तावेजों की जानकारी जुटाती रही। शिकायतकर्ता मोहम्मद तारिक ने फर्म संचालक के खिलाफ केंद्र सरकार से 250 पेज की शिकायत की थी, जिसके आधार पर सेंट्रल GST की टीम ने छापेमारी की है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां नौकरी का झांसा देकर 15 लाख की ठगी का मामला सामने आया और पुलिस ने 4 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया, जबकि एक शख्स फरार बताया जा रहा है। परासिया में नौकरी का झांसा देकर यह ठगी की गई थी और पीड़ित ने 5 लोगों पर मामला दर्ज करवाया था, लेकिन परासिया में नौकरी का झांसा देकर के ठगी करने का मामला सामने है, जहां पर पीड़ित ने 5 लोगों पर FIR दर्ज करवाई है, मामला दर्ज करवाया है। 15 लाख रुपए की ठगी का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने 4 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी एक शख्स फरार बताया जा रहा है।